यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 और अन्य कई सारे मुद्दों को लेकर के आप लोग जानते होंगे कि प्रतियोगी मोर्चा की टीम आज चयन बोर्ड गई थी। चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब से आज मिलने का वादा था, लेकिन कुछ ऐसे कारण हुए जिसके कारण आज ये वार्ता नहीं हो पाई। ठीक है, क्या पूरा मामला इस वीडियो में हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अपडेट किया गया है कि चयन बोर्ड में वार्ता क्यों नहीं हो पाई। देखिए, यहाँ पर अवगत कराया गया है कि आज 23 मई को प्रतियोगी मोर्चा की टीम प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अध्यक्ष साहब से मिलने गई थी। ठीक है, और जैसे ही प्रतियोगी मोर्चा की एंट्री हुई, डिप्टी सचिव से कुछ वार्ता हुई। वार्ता के बाद ये बताया गया कि अचानक चेयरमैन साहब की तबीयत खराब हो गई है। ठीक है, इस वजह से आज वार्ता नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल आज वार्ता नहीं हो पाई है और इस वार्ता के लिए पुनः कल 24 मई 11:30 बजे का समय दिया गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज वार्ता नहीं हो पाई। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रतियोगी छात्रों का जोश कम नहीं हुआ है। कल उसी जोश से पुनः वार्ता के लिए अभ्यर्थी जाएंगे, यानी आज जो वार्ता होनी थी वो वार्ता कल होगी। आज देखा जाए तो फिलहाल निराशा ही मिली है। जैसा कि उम्मीदें थी कि आज टीजीटी पीजीटी 2022 और अन्य कई सारे मुद्दों को लेकर के जो है कुछ एक बड़ी अपडेट आएगी, लेकिन फिलहाल आज ये अपडेट नहीं आई। अभी आपको अपडेट के लिए कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की मांग है कि जून माह में विज्ञापन जारी कर दिया जाए, साथ में पदों की संख्या को भी बढ़ा दिया जाए। तो जो कुछ भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।